महामंत्री कांता सिंह, हमारे इस बिजनौर राज के रक्षक हो, इसलिए हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मंत्री जी बात सुनिए और मेरी ध्यान से, मंत्री जी बात सुनिए। बस अमन चाहिए, गरिचे आतंकी है सर उठाता कहीं तो मुझे सिर्फ उसका कफन चाहिए। मैं जिन गलियों से आपका छोटा भाई प्रताप सिंह गुजरता है, तो बड़े भैया हर तरफ सिर्फ हर इंसान की जुबान से एक आवाज आती है कि बिजनौर नरेश महाराज उदय सिंह की जय हो, बिजनौर नरेश महाराज उदय सिंह की जय हो। बहुत खूब, बहुत खूब। छोटे भाई प्रताप सिंह, हम यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। छोटे भैया, तुम हमारे भाई ही नहीं, हमारे दाहिने अंग हो, इसलिए हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। छोटे भाई, राजा और प्रजा में पुत्र और पिता का संबंध होता है, इसलिए हम यही चाहेंगे कि कभी भी भूल कर ऐसी गलती ना होने पाए जिसके कारण हमारी प्रजा को कष्ट हो। आसन ग्रहण कीजिए। द्वारपाल जी राजन, किसी ने इंसाफ का घंटा बजाया है। हाँ राजन, कोई फरियादी इंसाफ का घंटा बजाकर राज दरबार आना चाहता है। हाँ राजन, अगर जो किसी ने इंसाफ का घंटा बजाया है और इंसाफ का घंटा बजाकर राज दरबार तक आना चाहता है, राम सिंह राज दरबार तक लाने के लिए प्रमुख कर्तव्य है। कहाँ माँ? ओ माँ। हाँ हाँ हाँ, काहे तुम्हारे साहब घंटा बजा है, कहा काहे से पहुंचे हो रहा है? अरे भाई तो मुंह टूटे हो रहा है माँ, रह देव हे रहो, हम महाराज से पूछ कर आपको राज दरबार तक अवतले चलूंगा। क्या बात है द्वारपाल? जाओ, उन्हें सम्मान के साथ अपने साथ लेकर आओ। द्वारपाल, बूढ़ी माँ को उठाया जाए। जो किया राजन की। बूढ़ी माँ, क्या बात है, इस बूढ़ी अवस्था में राज दरबार आने का कारण? अम्मा रो ना, रो ना। और ये क्या बूढ़ी माँ, तुम्हारे आंखों में आंसू? बूढ़ी माँ, और रोती आई हो क्यों सच? बूढ़ी माँ, और रोती आई हो क्यों सच? और बता दो मुझे, रोती आई हो क्यों सच? बता
मुझे और माजरा क्या है सच सच बूढ़ी माँ, और माजरा क्या है सच सच और सुना तो मुझे इंसाफ का घंटा बजा कर आ गई दरबार हो, आंसू बहा कर इस कदर माता न तुम लाचार हो बूढ़ी माँ, और इंसाफ का घंटा बजा कर आ गई दरबार हो, आंसू बहा कर इस कदर माता न तुम लाचार हो, और तुम पे गुजरी जो सब वो बूढ़ी माँ, और तुम पे गुजरी जो सब वो और बया कीजिए सच सच, माजरा क्या है सच सच और बता दो मुझे। बूढ़ी माँ आखिर क्या बात है, इस बूढ़ी अवस्था में रोती बिलकती हमारे दरबार आने का कारण? सरकार आपसे न बताए बाप का जन्म है महाराज, लिखा मेरी किस्मत में है गम उठाना, कहीं भी ठिकाना घर में मेरे चोरी हुई कल धूप आधी रात को, मैं कहीं की ना रही से मेरी गुजरा, अब तो बचा से आंसू बहाना, अब तो बचा सिर्फ आंसू बहाना, न विधवा को मिलता कहा बूढ़ी माँ हमारे इस बजनौर में चोरी, बूढ़ी माँ तो बस करो भी सुनाओ नहीं, नाम कर जानती हो तो बदलाए, और कौन बेदर्द जालिम हटी चोर है, घबराओ नहीं, अगर उस चोर का नाम जानती हो तो हमारे सामने बया करो। हुजूर सुनिए मैं बताती हूँ, सहने की हिम्मत नहीं पड़ रही
कैसा बसर आपका ही मुलाजिम कोई दस है रहता दरबार में करता अपनी का मतलब हमारे दरबार का ही कोई सदस्य है। बूढ़ी माँ घबराओ नहीं, शौक से इजहार करिए, शौक से इजहार करिए। कौन सा इंसान है दरबार में वो बदगुमा, कौन सा शैतान है। काट लूंगा हाथ उसके, काट लूंगा हाथ उसके, ये मेरा इंसाफ है। आज से बिजनौर में जुर्म होगा। बूढ़ी माँ घबराओ नहीं, उस चोर का नाम बया करो।